हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में हम शुभ लाभ लिखने वाले हैं। तो शुभ लाभ कैसे लिखते हैं वीडियो को में देखें। ये हमारे पास चाक मिट्टी है ब्लू कलर का, और ये धागा है जो कि पतला धागा है। तो हम यहाँ पर लाइनिंग बनाने वाले हैं लिखने के लिए। तो पहले हम इसको छोटी वाली उंगली में धागे को लपेट लेंगे और उसमें चाक मिट्टी को ऐसे रगेड़ लेंगे। रगेड़ के जहाँ हमको लाइनिंग बनाना है वहाँ पर हम सीधा में रख करके लाइनिंग बनाएंगे। तो हम दोनों तरफ एक हाथ से इस साइड और एक हाथ से उस साइड में पकड़ के इसको एक उंगली से खींचेंगे ऊपर की तरफ, तो ये हमारा लाइनिंग पड़ जाएगा। तो हम ऐसे ही ठीक डबल लाइनिंग बना लेंगे जो कि लेटर की मोटाई के लिए। अब हम इसके बाद लेटर की चौड़ाई देख लेंगे कि कितना बड़ा रखना है। ठीक उतना बड़ा ही ऊपर से लेकर के नीचे दोनों तरफ में हम निशान पहले लगा लेंगे, और जो निशान हमारा लगा रहेगा उसी पर हम धागे को पटक के अपना लाइनिंग बना लेंगे। तो ये देखिए हमारा दोनों तरफ निशान लगा हुआ है। अब इसी पर हम धागे की सहायता से फिर से लाइनिंग बना लेंगे, और नीचे भी ठीक वैसे ही डबल लाइनिंग हम बना लेंगे। जो लेटर का हम खत काटेंगे नीचे की तरफ तिरछा करेंगे, तो ये हम उस हिसाब से जितना हमारा ये चौड़ा है ठीक बराबर ऐसे ही हमारा सब लेटर का खत कटता चला जाएगा। तो हम यहाँ सिंथेटिक एनामिल से लिखने वाले हैं। ये देखिए आयल पेंट है, लिखा हुआ है सिंथेटिक एनामिल, नेरोलक कंपनी का है। तो ये रेड कलर है, इसी से हम लिखेंगे। और ये हमारा ब्रश 8 नंबर का है जो कि फ्लैट बाल छोटा बाल का है, विशाल कंपनी का, इसी से हम राइटिंग करेंगे। तो हम यहाँ नाटा बाल ब्रश का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे कि हमारा जो बैकग्राउंड लगा है तो थोड़ा खुरदुरा है, तो इसलिए हमने फ्लैट बाल का इस्तेमाल किया है। अगर हमारा ये चिकना प्लेन होता तो वहाँ पर हम लॉन्ग बाल यूज करते। तो हम लिखने से पहले पेंट के डब्बे में ब्रश को डाल करके अच्छी तरह पेंट को हिला लेंगे जिससे कि हमारा कलर सब मिल जाएगा और अच्छी तरह से। तो हम अब ब्रश की पॉइंट बना लेंगे डब्बे के ऊपर, ऐसे ही दबा करके ब्रश की पॉइंट बना लेंगे। ये हमारा ब्रश का पॉइंट बन गया। फिर इसको ऐसे ही देख लेंगे कि हमारा पेंट गाढ़ा है कि पतला है, उस हिसाब से हम लिखना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम शुभ लाभ जो लिखने वाले हैं वह ब्रश का डबल स्ट्रोक लगा करके लिखेंगे, क्योंकि कलम ब्रश हमारा पतला है और लेटर हमारा जो कि थोड़ा बड़ा और मोटा है, तो इस हिसाब से हम डबल स्ट्रोक लगा करके लेटर को लिखेंगे। तो देखिए कैसे लिखते हैं, वीडियो को आप ध्यान से देखें और देख करके आप भी लिखना सीखिए। हम ऐसे ही पेंटिंग संबंधित वीडियो इस चैनल पे अपलोड करते रहते हैं। तो आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के आल पे क्लिक कर दें जिससे कि अगली वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो हमको बहुत से दीवार पे या दुकान या कहीं भी शुभ लाभ तो ज़रूर ही लिखना पड़ता है, तो हम ऐसे ही देख करके लिख लेंगे। यहाँ पर हम इस शुभ लाभ के बीच में गणेश जी का क्लिप आर्ट फोटो भी बनाए हुए हैं। तो दोस्तों वीडियो को आप ध्यान से जरूर देखें और देख करके कुछ नया सीखें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करना न भूलें।